नाउ दिस राउंड इज रैपिड फायर राउंड, ठीक है? ओके सो ओके कॉल्ड ग्रेट. वी वांट टू नो योर क्विक थॉट्स. ओके, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप? बहुत ओके पर दोनों को मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि वहां पर ड्राइंग फॉर्म, कलर वैल्यूज और ये सारी चीजें पर डिपेंड. मतलब ये ऐसे होता है कि मैं अगर हिमाचल जाऊँ तो मैं वहां पोर्ट्रेट करने से ज्यादा लैंडस्केप पसंद करूंगा. डिपेंड जैसे सिचुएशन होता है, पर मेरे लिए तो दोनों ऐसे है, सिमिलर ही है कि दोनों में उतना ही मजा था. ऐसे कभी नहीं हुआ कि यार बस पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप ही करना चाहिए, नहीं तो लैंडस्केप नहीं अभी पोर्ट्रेट करना, ऐसे नहीं हुआ. इसलिए दोनों रेफरेंस और लाइन लोकेशन एंड मॉडल्स. लाइफ ओके, फेवरेट पेपर, फेवरेट आर्चीज कलर? ये हाँ. फ्रांस का पेपर है ऑलमोस्ट. यहाँ पर हम 22x30 मतलब इंच पेपर के साइज है, 650 या 700 को एक पेपर मिलता है. ये एक मेरा फेवरेट पेपर है, मोस्टली मैं इस पे काम करता हूँ. इसका रीजन ये है कि वो प्रॉपरली एसिड फ्री पेपर है. मतलब ये अभी जो भी देख रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ. कई बार हम जब प्रोफेशनली जब काम करते हैं तो उस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि हम जो भी कॉस्ट आगे वाले क्लाइंट से हम ले रहे हैं तो उस वक्त ऐसे नहीं करना है कि यार इतना पैसे ज्यादा मिल रहा है पर हम मटेरियल सादा यूज करें और उनको दे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए. क्योंकि एज ए आर्टिस्ट उतना ही क्या कहते हैं कि प्रामाणिक आपको ये होना चाहिए, कि प्योर आपको होना चाहिए कि आप कोई भी आर्ट वर्क दे रहे हो वो प्राइस से ज्यादा ये है ना कि आपका आर्ट वर्क कई सालों तक आपके क्लाइंट के यहाँ अच्छा रहना चाहिए. ये हर आर्टिस्ट ने सोचने की बात है. कई बार हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ हमें चीज लेना है, आगे वाला हमें बहुत चीप मटेरियल देके चिपकाता है, देता है, तो हमें कैसे फीलिंग, वो जो बैड होता है ना कि यार इसने हमें फंसाया, तो वो फीलिंग नहीं होना चाहिए. आर्ट के साथ आर्ट मटेरियल का अंडरस्टैंडिंग, उसका समझना, ये भी बहुत जरूरी है. क्योंकि अच्छा क्वालिटी का आप अगर पेपर लेते हो, नहीं तो जो भी कलर यूज करते हैं, तो उसके बाद आपको मिलने वाला रिजल्ट वो भी एक क्या कहते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है कि इसके ऊपर हम काम अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही होगा और लॉन्ग टाइम के लिए वो अच्छा बना रहेगा. ये जरूर सोचने वाली बात है. इसलिए आर्चीज, कई सारे ब्रांड्स हैं पर आर्चीज इज फेवरेट. फेवरेट कलर कंपनी? कलर कंपनी बहुत है वैसे तो. अपने यहाँ पर अगर हम देखा जाए कैमल तो अच्छा ही है, पर अभी रिसेंटली मैं दो तीन ब्रांड्स में यूज कर रहा हूँ. मिशन गोल्ड करके, मजेलो मिशन गोल्ड, एक सुपर विजन करके एक कलर है, चाइना का ब्रांड है और उसका ब्रांड एम्बेसिडर वो वाटर कलर्स का मैं हूँ, तो वो एक कलर में यूज करता हूँ. और एक डैनियल स्मिथ करके एक कलर है. ये अलग अलग कलर्स हैं जिनके पिगमेंट्स काफी अच्छे हैं. थोड़ा भी हमने कलर लिया तो उसका जो भी फ्लो होने का तरीका, नहीं तो जो भी इम्प्रेशन पेपर पे मिलता है वो काफी अच्छा है, फ्रेशनेस रहे तो जो भी चीज है. क्योंकि सभी ब्रांड में, मतलब ये मल्टीपल ब्रांड के, क्योंकि ये एक ब्रांड में अगर कलर नहीं है वो दूसरे ब्रांड में मिल जाएगा ऐसे, तो मल्टीपल थोड़ा सा मैं यूज करता हूँ. हाँ,